हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक पटना में। तो जैसा कि मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर वोकेबुलरी का डेली 40 क्वेश्चंस लेके आता हूं, जिसमें आज आप लोग का चौथा दिन है। और इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस आए हैं आप लोग के। कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके बोला कि सर इसे एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम तक कंटिन्यू रखिएगा। तो मैं उन लोग को बता दूं कि ये मैं उसी व्यू से लाया हूं कि आप लोग को एसएससी सीजीएल मेंस सीएचएसएल के प्री और जो एमटीएस के एग्जाम होने वाले हैं उनमें काफी सहायता मिले। तो इसमें टोटल जो होते हैं, टोटल मैं प्रीवियस ईयर वोकेबुलरी ही लाता हूँ, एक भी इधर उधर से नहीं लाता हूँ। सारा आप लोग का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है, तो एक एक वर्ड आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके ज्वाइन करके ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ताकि एग्जाम से एक दो दिन पहले आप लोग को रिविजन करने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग बिना नोट्स बनाए भी रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या है? असर्ट। असर्ट, असर्ट का मतलब क्या होता है? दावा करना। दावा करना का क्या हो जाएगा? सैनोनिम क्लेम हो जाएगा। देखिए, इसी से रिलेटेड वर्ड है असर्ट। इसका मतलब कहीं कहीं घोषणा करना भी होता है। दावा करना और घोषणा करना दोनों इसका मीनिंग होता है। तो इस तरह का वर्ड मैं एक साथ आप लोग को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए मैंने आप लोग को पढ़ाया असर्ट का मतलब दावा करना, और आप लोग से एग्जाम में असर्ट का मतलब घोषणा करने वाला पूछ लिया, तो आप लोग फिर हमको क्या बोलिएगा कि सर ने गलत पढ़ाया। तो इसलिए मैं दोनों वर्ड एक साथ लेके आया हूँ। कल भी इसी तरह का एक वर्ड था, उसका दो अर्थ आ रहा था, तो वो भी मैं आप लोग को कल लेके आया था। तो कल का सेशन अगर नहीं देखे तो कल का सेशन भी जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, असर्ट का मतलब क्या होता है? दावा करना, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लेम हो जाएगा। और एक असर्ट का मतलब होता है घोषणा करना, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनाउंस हो जाएगा। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? फरार होना या भाग जाना। क्या होता है एब्सकॉन्ड का मतलब? फरार होना या भाग जाना। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्ली हो जाएगा। फ्ली मतलब भी क्या होता है? भाग जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक का मतलब क्या होता है? ग्रामीण या फिर गवार, जो गांव से रिलेटेड हो, गांव में रहता, उसे क्या कहते हैं? ब्यूकोलिक कह सकते हैं। तो उसी का सिनो हो जाएगा, रस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? बैफल। बैफल का मतलब क्या होता है? असमंजस में डालना। असमंजस में डालना मतलब कि बैफल का सीनो क्या हो जाएगा? पजल हो जाएगा। पजल भी आप लोग को क्या होता है? असमंजस में डाल देता है। तो उसी का सिनोनिम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है आत्मग्लानी। आत्मग्लानी मतलब कि पश्चाताप, मतलब कोई गलत काम आप लोग कर लिए हैं और उसके बाद आप लोग को उसका पश्चाताप हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, वही कंपंक्शन कहलाता है। तो कंपंक्शन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पहला तो रिग्रेट ही हो जाएगा और रिमोर्स भी हो जाएगा। तो दोनों आप लोग का कंपंक्शन का सिनोनिम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? डिलीगेट। डिलीगेट का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, और प्रतिनिधि को इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, तो यही इसका सिनोनिम भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? आनंददायक। आनंददायक का सीनो क्या हो जाएगा? डिलाइटफुल हो जाएगा। डिलाइटफुल मतलब भी क्या होता है? आनंददायक ही होता है, या प्रसन्नात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस एक होता है डी आई वाला, तो वो डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, और ये डी ई वाला है तो इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है? आदर या सम्मान होता है। तो डिफरेंस का आदर या सम्मान होता है, तो इसका सीनो आप लोग को पता चलेंगे होगा, रिस्पेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है। एक्सप्लिसिट मतलब अस्पष्ट होता है, और अस्पष्ट का सीनो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? फिन। फिन का मतलब क्या होता है? बहाना करना। बहाना करना का क्या हो जाएगा? प्रिटेंड। और प्रिटेंड काफी बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, तो ये आप लोग के लिए काफी वीवीआई हो गया, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? फिरोसियस।
फिरोसियस का मतलब पता ही होगा आप लोग का, आप लोग को, क्योंकि ये वर्ड मैं पिछले जितना भी वोकेबलरी का क्लास लिया हूं उसमें 2 से 3 बार मैं ये वर्ड आप लोग को बता चुका हूं। तो अगर आप लोग पिछला क्लास ले रहे होंगे तो आप लोग को फिरोसियस का मीनिंग सिनो सब अच्छे से याद होगा। तो फिरोसियस का अर्थ क्या होता है? खूंखार या उग्र होता है, और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फियर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फियास्को। फियास्को भी लगभग 8 बार एग्जाम में पूछा गया है, और फियास्को का मतलब क्या होता है? असफलता होता है। क्या होता है? असफलता, और इसी का सीनो क्या हो जाएगा? फेलवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइनीज। फाइनीज का मतलब क्या होता है? चातुर्य या कुशलता। क्या होता है फाइनीज का मतलब? चातुर्य या कुशलता, और इसी का सीनो क्या हो जाएगा? आर्टिफाइस हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्लिब। ग्लिब का मतलब क्या होता है? बातूनी होता है या बाचाल होता है, और ये वाला वर्ड भी लगभग 9 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका सीनो क्या हो जाएगा? टॉकेटिव हो जाएगा। टॉकेटिव का मतलब भी क्या होता है? बातूनी या बाचाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब क्या होता है? सच्चा या निष्कपट, जिसके अंदर कोई कपट ना हो। और निष्कपट से रिलेटेड वर्ड मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आप लोग को, तो ये वर्ड अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो वहीं पे जाके नोट कर लीजिए जहां पे वो निष्कपट वाला वर्ड था, ताकि आप लोग को, मैंने क्या बोला था पिछले क्लास में भी, कि जिस वर्ड का हिंदी सेम हो उन सारे वर्ड को एक साथ नोट कर लीजिए, वो उससे क्या होगा आप लोग को याद भी रहेगा और उसका सारा सिनोनिम आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये वर्ड आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहीं जाके लिखिएगा, इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब क्या? सच्चा यानी इसका पट, और इसका सीनो क्या हो जाएगा? फ्रैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेविस। लेविस का मतलब क्या होता है? खर्चीला होता है, और इसी को एक्स्ट्रा वेजेंट भी कहते हैं, और एक्स्ट्रा वेजेंट वर्ड भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? सौम्य या शांत। इसी को सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रेटिसेंस। रेटिसेंस का मतलब क्या होता है? चुप्पी या संकोच। क्या होता है रेटिसेंस का मतलब? चुप्पी या फिर संकोच, और इसी को क्या कहेंगे? रिजर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सीरेन। सीरेन का मतलब भी क्या होता है? शांत या निर्मल होता है, और इसका भी क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। और इससे पहले भी एक देखिए यहाँ पे है, तो ये दोनों भी मतलब कि प्लेसिड का भी साइनो सीरेन ले सकता है, और इसका सीनो काम तो है ही, तो प्लेसिड सीरेन काम तीनों को एक जगह नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखिए 20 सिनोनिम मैंने आप लोग को बता दिया, मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, धड़ धड़ सारा वर्ड बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग को इसके अलावा भी काफी सारा पढ़ना है, क्योंकि हर साल सीजीएल प्री और मेंस में रिजल्ट आने के बाद कम से कम 1.5 से 2 महीने टाइम रहता था, और यहाँ पे तो रिजल्ट आने के बाद आप लोग के पास 1 महीने भी टाइम नहीं है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट इधर उधर मत कीजिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, और इसके अलावा जो भी आप लोग को पढ़ना है आराम से पढ़ते रहिए। और इसका जो मॉक टेस्ट होता है उसका टीसीएस ने अभी मॉक फॉर्म जारी किया है एसएससी सीजीएल मेंस का, तो उसका उससे रिलेटेड जितना भी क्वेरीज है उसका वीडियो मैंने बना दिया है, चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप लोग देखें तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो जिनका एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम है एक बार वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए अब ओडब्ल्यूएस की बारी है, ओडब्ल्यूएस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओडब्ल्यूएस में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब क्या होता है? सुधारवादी नेता। क्या होता है? सुधारवादी नेता, और इसी का देखिए क्वेश्चन आप लोग से क्या पूछेगा, अ पायोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। अ पायोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, और इसी का ओडब्ल्यूएस क्या हो जाएगा? अपोस्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधारवादी नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वन विथ नैरो रिलीजियस व्यूज। वन विथ नैरो रिलीजियस व्यूज का क्या हो जाएगा? बाइगोट हो जाएगा, कट्टरपंथी इसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब कि वो खुद के कोई भी बात से वो एकदम कट्टर हो, उससे हिले ना, एकदम अडिग रहे, उसी को बाइगोट या कट्टरपंथी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, मतलब पुजारियों का समूह। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, लगभग
लगभग ये 14 या 15 बार पूछा गया वर्ड है, तो ये काफी वीवीआई वर्ड है। आप लोग को बहुतों को याद भी होगा, जिनको नहीं याद है वो याद कर लीजिए कि एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स कंग्रीगेशन होता है, पुजारियों का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ड्राई वेदर विथ नो रेन फॉल या फिर वांट ऑफ रेन, मतलब कि सूखा बोल सकते हैं, अकाल बोल सकते हैं, तो जहां पे रेनफॉल ना हो, बारिश ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, ड्राउट्स कहेंगे, अकाल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ मैन हुज मैनर्स आर दोज ऑफ वोमेन, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसका जो मैनर है, वर्ताव है, वो स्त्री के जैसा हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे एफिमिनेट कहते हैं, और इसी का हिंदी क्या होता है, अर्धनारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वन हु टॉक्स टू मच, तो जो बहुत ज्यादा बात करता है उसे हिंदी में तो बकवादी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, गैरुलियस। गैरुलियस का मतलब क्या होता है, बकवादी होता है, और इसी को वन हु टॉक्स टू मच भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दैट विच कैन नॉट बी वाउंडेड, मतलब कि जिसे भेदा ना जा सके, अभेद कह सकते हैं इसे, और इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अनवल्नरेबल, अनवल्नरेबल, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, मतलब कि ऐसा बिल्डिंग जहां पे डेड बॉडीज रखा जाता है, तो उसे मुद्रालय कहते हैं, जहां पे मुर्दा रखा जाता है, और इसी को क्या कहेंगे इंग्लिश में, मोर्चरी कहते हैं, मोर्चरी कहते हैं। इससे रिलेटेड एक शमशान का भी मैंने OWS आप लोग को बताया है, वो पिछले वीडियो में है, तो जिन्होंने पिछला सेशन अटेंड किया वो शमशान वाला OWS कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इससे आप लोग का पिछला क्वेश्चन भी मैं देखता हूँ आप लोग को याद है अच्छे से या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वन हु बियर्स द सेम नेम एज अनदर, मतलब कि दूसरे का जो नाम है वही नाम एक दूसरे व्यक्ति का है, तो उसे क्या कहेंगे, नेमसेक कहेंगे। नेमसेक का मतलब क्या होता है, नाम राशि या हम नाम। ये वर्ड भी मैं पिछले क्लासेस में कर चुका हूँ, जो पिछला बार मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, तो ये अगर आप लोग वो सीरीज लिए होंगे तो ये वर्ड आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज इन द हैंड ऑफ अ स्मॉल एक्सक्लूसिव क्लास, इसे ही क्या कहते हैं, अल्पशासित राज्य कहते हैं, और इसे इंग्लिश में ओलिगार्ची कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिगार्ची। तो ये आप लोग का 10 OWS भी हो गया, इससे पहले 20 सिनोनिम मैंने बता दिया है। अब बारी आती है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या है, एडम्स एल। एडम्स एल का क्वेश्चन जो है वो 9 बार एग्जाम में पूछा गया है, और काफी वीवीआई वर्ड है ये। एडम्स एल का मतलब क्या होता है, शुद्ध जल, प्योर एंड क्लीन वाटर, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बर्निंग द कैंडल्स एट बोथ हैंड्स, ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब कि दोनों हाथों में कैंडल जलाना, इससे क्या समझ सकते हैं आप लोग, मतलब कि कठिन परिश्रम करना, देर रात तक कार्य करना, तो इसी को क्या कहेंगे, टू गो टू बेड लेट एंड गेट अप अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल का मतलब क्या होता है, समीप या बगल में, तो क्लोज टुगेदर भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गेट इन टू हॉट वाटर, ये भी आज का जो, पहले ही मैं बता दूं, आज का जो 10ों इडियम्स एंड फ्रेजेस है, 10ों लगभग 6 6 7 7 बार एग्जाम में पूछा गया है, और 10 के 10ों इडियम्स एंड फ्रेजेस काफी भीवी आए हैं, तो इन 10ों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आने के से एक ना एक क्वेश्चन कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर लड़ेगा, तो ये आप लोग अच्छे से 10 वर्ड याद कर लीजिएगा। गेट इन टू हॉट वाटर का मतलब होता है समस्या में पड़ना, और इसी को क्या कहेंगे, इन ट्रबल और डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द वी आवर्स ऑफ द डे, मतलब कि शुभारंभ भी इसे कहते हैं, प्रातः काल कहते हैं, तो द वेरी अर्लिंग आवर्स आफ्टर मिडनाइट, मतलब कि रात्रि के बाद का जो सुबह होता है, सुबह सुबह जहाँ जब सूर्योदय होता है, वो वाला टाइम इसे बोल सकते हैं, इन द वी आवर्स ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कि कोई भी पत्थर ना छोड़ना, तो उसे क्या कह सकते हैं, तो सारे हथकंडे अपना लेना, मतलब कि कोई कार्य आप कर रहे हैं और आपसे वो नहीं हो रहा, तो उससे
करने के जितने भी नुस्खे हैं, हथकंडे हैं, सब आप लोग अपना लिए, तो वही हो गया, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जितना भी पॉसिबल एफर्ट है सारे हथकंडे आप लोग अपना लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मिडास टच। मिडास टच का क्या होता है, किस्मत का धनी होना, जो बहुत लक्की होते हैं उन्हें ही मिडास टच बोल सकते हैं। तो इसे क्या, इसका क्या हो जाएगा आइडिया, मीनिंग एन अनकैनी एबिलिटी फॉर मेकिंग मनी इन एवरी वेंचर, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर का क्या हो जाएगा, एवरी पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, मतलब कि चप्पा चप्पा छान मारना या हर पहलू से रूबरू होना, नूक एंड कॉर्नर का ये मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से होता है। इसका क्या हो जाएगा, इन एवरी रेस्पेक्ट या ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मतलब भी क्या होता है, पूरी तरह से होता है। तो ये वर्ड भी काफी भी आई है और इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ होता है। इसी को इडियम मीनिंग क्या कहेंगे, अ पर्सन हु इज पर्टिकुलरली स्किल्ड एट अ स्पेसिफाइड एक्टिविटी और आर्ट। तो ये आप लोग का 10 इडियम्स फ्रेजेस भी हो गया और ये 10ों आप लोग के लिए काफी भी आए, तो एक एक वर्ड आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाके इसको डाउनलोड करके रिवीजन करने के लिए रख सकते हैं। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो खास करके डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर एक बार भी आप लोग सारा देख लिए पीडीएफ तो आप लोग का सारा वर्ड रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आप लोग को समझाता हूँ कि आधा वर्ड तो आप लोग को क्लास में ही याद हो जाएगा और जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा वो रिवीजन करने टाइम क्लियर हो जाएगा। फिर भी देखिए इसे इसे मैंने आप लोग के बीच अच्छे से समझाया, अगर इसके अलावा कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यही था आज का सेशन में, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।